जो बातें हैं वो आपके सामने रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष भाई रामवीर सिंह विधुरी जी हैं और हमारे महामंत्री और एनडीएमसी मेंबर श्री कुलजीत सिंह चहल जी हैं और मेरे साथ डायस पर मेरी साथी प्रवक्ता पूजा सूरी जी भी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस भगोड़ा मुख्यमंत्री के जो कुछ हुआ उसके बारे में आपके सामने अपने विचार रखें। अध्यक्ष जी। धन्यवाद हरीश जी, सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी, एनडीएमसी के मेंबर और मेरे साथ हमारी टीम के सदस्य महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, पार्टी के सीनियर प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी और श्रीमती पूजा सूरी जी हमारे बीच में हैं। सभी पत्रकार मित्र, हम सब जानते हैं कि कल हमने क्या देखा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सिविक एजेंसी एनडीएमसी के मेंबर पदेन सदस्य के नाते मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में आते हैं और एक नई फिल्म हमें देखने को मिली है, भाग केजरीवाल भाग, और वो भी तब भाग जब वो जनता के सवाल उनके ऊपर उनसे पूछे जा रहे थे। उनसे पूछा जा रहा था कि दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा के सदस्य के नाते आपने यहाँ पर स्कूलों के लिए क्या किया, आपने यहाँ सफाई कर्मी हैं उनके लिए उनकी समस्याओं के लिए क्या किया, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और साथ में नई दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी हैं, आपने यहाँ के कर्मचारी जो अधिकांश संख्या में यहाँ रहते हैं उनके वेलफेयर की जब समस्याएं आई तो आपने उनसे उनको पीठ दिखाई यानी भाग गए। और यही नहीं, ये तो एक वानगी है कि नई दिल्ली विधानसभा के सदस्य के नाते वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो नई दिल्ली विधानसभा में रहने वाले हजारों जो नागरिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके कल्याण के लिए करना तो दूर, उनकी बात को सुनना भी वो पसंद नहीं करते हैं। पिछली बार का एक वाकया है जब नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो उनको मिलने तक नहीं दिया गया था। ये असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता, ये मुख्यमंत्री जी का एक करैक्टर, एक चरित्र बनकर आया है। और इस बात को हम इस बात से जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी जब शराब घोटाला होता है तो उसके जवाब देने से भागते हैं, जब दिल्ली के अंदर जल बोर्ड घोटाला होता है, पानी की समस्या होती है तो उससे भागते हैं वो, दिल्ली के अंदर जब गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट और वेलफेयर की बात होती है तो वो उससे भागते हैं, दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर घोटाला हो, कमरों का घोटाला हो, या फिर स्कूलों में टीचर्स की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट की बात हो, उन सवालों से वो भागते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से ड्यूसिप घोटाला हुआ उसके जवाब देने से वो भाग रहे हैं, हर जनता से जुड़े सवाल से वो हमेशा भागते रहे हैं। आज दिल्ली की जनता ने ये पहचान लिया है केजरीवाल जी कि आप सिर्फ जनता के सामने प्रचार और प्रचार उसी में मस्त रहते हैं, अपनी फोटो दिखाओ और प्रचार करो, यही एकमात्र एजेंडा केजरीवाल जी आपका है। और हमेशा जनता से मुंह चुराना, जब जनता सवाल पूछे, जब उन्होंने मोहल्ला सभाएं की थी और जो वादे किए थे वो वादे जब पूरे नहीं हुए और जनता ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए तब वो भागने लगे, यही हाल एनडीएमसी की मीटिंग में भी हुआ,
जब हमारे मेंबर कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़े सवाल पूछे, स्कूलों से जुड़े सवाल पूछे, तो वो बैठक से भागते हुए नजर आए हैं। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का ये हाल है। केजरीवाल जी के बारे में अब ये छुपा नहीं है, अगर यूं कहें कि यूं हर वक्त मुंह क्यों छुपाते हो केजरीवाल जी, यूं हर वक्त मुंह क्यों छुपाते हो केजरीवाल जी, तुम किसी से नजरें क्यों नहीं मिलाते हो, तुम किसी से नजरें क्यों नहीं मिला पाते हो, घोटाला किया है ये खुलकर क्यों नहीं बताते हो, घोटाला किया है ये खुलकर क्यों नहीं बताते हो, यूं जनता के सवालों पर उठकर भाग क्यों जाते हो केजरीवाल जी, ये बताइए, जनता के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। मुंह क्यों छुपाते हो, जरा खुलकर तो सामने आओ। अगर आपने जनता से वोट मांगे हैं, मुंह क्यों छुपाते हो, जरा खुलकर तो सामने आओ, अपने चेहरे से ये ईमानदारी का नकाब तो हटाओ। जो ईमानदारी का नकाब आपने ओढ़ रखा है, वो नकाब आपका खुल चुका है। झूठ का तो करते हो बढ़ चढ़कर बखान, झूठ का तो बढ़ चढ़कर करते हो बखान, सच क्या है जरा ये भी जनता को बताओ, सच क्या है केजरीवाल जी ये भी जनता को बताओ, और सच सुनकर यूं भाग क्यों जाते हो केजरीवाल श्रीमान जी, कि सच सुनकर यूं मीटिंग छोड़कर भाग क्यों जाते हो केजरीवाल जी। अंत में मैं कहूंगा, केजरीवाल जी ये जो भाग केजरीवाल कल दिल्ली और देश की जनता ने जो पिक्चर देखी है, वो दिल्ली की जनता के दिमाग के अंदर घर कर गई है, और जनता ने ठाना है केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। अगर आप भाग रहे हो तो जनता भी तय कर चुकी है आपको भगाएंगे। मेरा इतना ही कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष भाई रामवीर सिंह बिधुरी जी से कि आप सबको संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी, श्री हरीश खुराना जी, हमारी बहन पूजा सूरी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली विधानसभा जब 1993 में बनी, मैं उसका मेंबर था, प्रथम विधानसभा का। श्री मदनलाल खुराना जी उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और दिल्ली विधानसभा का जो प्रथम सत्र हुआ वह 1 महीने 4 दिन चला, 19 सिटिंग्स हुई और 17 दिन क्वेश्चन ओवर चला। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पिछले 2.5 साल की बात कर रहा हूं कि 2.5 साल में केवल 7 दिन क्वेश्चन ओवर हुए हैं। पौने 3 साल में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में यदि अपोजिशन की ओर से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया जाता है तो चर्चा नहीं करवाते, 280 पे चर्चा नहीं कराते, क्वेश्चन ओवर होता नहीं। वे एनडीएमसी के मेंबर हैं,
और जब एनडीएमसी की मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ मिनिस्टर करते हैं, और यदि एनडीएमसी की बैठक में एक ऑनरेबल मेंबर श्री कुलजीत चहल अगर मुख्यमंत्री से कुछ सवाल कर रहे हैं तो उनको भागना नहीं चाहिए था, ऑनरेबल मेंबर के सवालों का जवाब देना चाहिए था, विधानसभा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल चर्चा से भागते हैं। और क्यों भागते हैं, उसका क्या कारण है? कारण है कि जब विपक्ष यह पूछता है कि पिछले 8 सालों में आप दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए, एक कॉलेज नहीं खोल पाए, एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, दिल्ली डीटीसी की लिए एक डीटीसी की बस आप नहीं खरीद पाए, दिल्ली में एक नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए, दिल्ली में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज करने की बात आपने कही थी, आप एक भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज नहीं कर पाए, दिल्ली में 12 कॉलेज हैं फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, टीचिंग स्टाफ को नॉन टीचिंग स्टाफ को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली में आपने 24 घंटे क्लीन वाटर देने की बात कही थी, आप दिल्ली में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, आप यमुना की सफाई नहीं करवा पाए, आप दिल्ली में 70% एरिया में आज तक सीवर लाइन ले नहीं करवा पाए, एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप लगा नहीं पाए, तो इन सभी सवालों का अगर हाउस में चर्चा होगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो चर्चा से भागते हैं। मैं श्री कुलजीत चहल जी, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के सम्मानित महामंत्री हैं, उन्होंने जिस हिम्मत के साथ अपनी बात एनडीएमसी की मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली से जब बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलराइज करेंगे, आप ये भी कहते हैं कि जो टेम्परेरी टीचर्स हैं हम उनको भी रेगुलराइज करेंगे, लेकिन दिल्ली में आप पिछले 8 सालों में एक भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज नहीं कर पाए, दिल्ली के अंदर जितने गेस्ट टीचर्स हैं उनको आप रेगुलराइज नहीं कर पाए, और दिल्ली में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं उनकी मरम्मत आपसे हो नहीं रही, दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर या कैपिटल घोषित करवा दिया है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात WHO ने कही है, आपके हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी खराब है, इसलिए आप विधानसभा में चर्चा से भागते हैं। एक्साइज पॉलिसी पे जब हमने चर्चा शुरू की, अरविंद केजरीवाल चर्चा से भाग खड़े हुए, और एनडीएमसी में यदि श्री कुलजीत चहल ने चर्चा शुरू की तो वो एनडीएमसी की बैठक से भी भाग खड़े हुए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब उनको एनडीएमसी का मेंबर बने रहने का नैतिक अधिकार उन्होंने खो दिया है, और आगे से जब भी एनडीएमसी की बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता जो एरिया की एमपी हैं और भारत सरकार में मिनिस्टर हैं उनको करनी चाहिए, जिससे कि मेंबर्स के सवालों का ठीक से जवाब मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के महामंत्री और एनडीएमसी मेंबर श्री कुलदीप सिंह चहल जी से, जिनके कल सवालों से अरविंद केजरीवाल जी भाग खड़े हुए। भाई कुलजीत सिंह चहल जी,
धन्यवाद हरीश जी, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जो समय समय पर अरविंद केजरीवाल की जिन्होंने नींद उड़ा रखी है, हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जिनकी संख्या कम हो पर आवाज़ की मजबूती देश और पूरी दिल्ली देख रहा है, हमारे पार्टी के नेता और मुख्य वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश खुराना जी और पूजा सूरी जी और सभी पत्रकार बंधुओं। साथियों, मैं बात रखूं उससे पहले मैं एक बार चाहूँगा आप जो कल पूरा वाक्य हुआ उसकी एक दो मिनट की वीडियो आप जरूर देख लें, तो एक बार मैं अपनी मीडिया की टीम के साथी से कहूँगा एक बार वीडियो जरूर चला दें। आरटीआई बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के नगर पालिका परिषद के स्कूलों में कोई भी दौरा नहीं किया और उसको लेकर फंड नहीं लगाया। मैंने ये आरटीआई बताया है, वो आरटीआई बताती है कि वहां के स्टाफ के अपग्रेडेशन के लिए आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, गुजरात हो जाते हैं पॉलिटिकल फंड, एक रुपए पूरा सुन लो, आप में अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? बोकू साथ बिठाकर होते हैं, इतने डरते हैं क्या? दूसरा आरटीआई बताती है कि आपके एमएलए फंड से कोई भी नहीं हुआ। ये आरटीआई महज कागज नहीं, ये आपकी कारगुजारी का चिट्ठा है। ये बताती है आपका मॉडल आपकी विधानसभा में फेल है। आप बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी, अगर बताने की हिम्मत और ताकत है, डरते नहीं है, तो आप बताएंगे इनको चुप करके क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप चेयर कर रहे हैं, चेयर में बताने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? पूछिए ना, देखिए आप में बताने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, ये आरटीआई बताती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए आरटीआई है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अपग्रेडेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी नहीं किया, ये आरटीआई बता रही है अरविंद केजरीवाल जी। घूम रहे हैं एनडीएमसी के बच्चों का विकास नहीं होगा, आपके विधायक कहते हैं कि मुद्दा नहीं है एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रवास मूवमेंट नहीं करेंगे, आपके विधायक कहते हैं मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए कि एनडीएमसी के डेवलपमेंट में, आपके विधानसभा के डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल फेल है, जीरो है, और अगर आपका मुद्दा नहीं है तो हम मान लेंगे। साथियों, आपने ये वीडियो देखी और आपके चेहरे की वो खुशी चेहरे पे बता रही है कि किस तरह हरीश जी जो कह रहे थे, और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का नया नाम भगोड़ा मुख्यमंत्री ऐसा रख दिया है। साथियों, एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग प्रत्येक माह आखिरी चौथे बुधवार को होती है। हमने पहले भी क्वेश्चन रेज किया, उसमें अध्यक्ष जी भी एक प्रेस थी जिसमें आप मीटिंग में सीरियस नहीं है, ऐसा रेजोल्यूशंस इनके अगेंस्ट में है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हम बार बार इनसे पूछते हैं कि एनडी आप देश और दिल्ली में बात करते हैं, आप बड़े बड़े शिक्षा मॉडल पर आप प्रचार की बात करते हैं, आप कहते हैं मेरे शिक्षा मॉडल की चर्चा सिंगापुर में भी हो रही है। तो हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब मीटिंग में आए, बड़े प्रेम से मैंने आप सारा सुन देखा होगा आपने, कि अरविंद केजरीवाल जी इस आरटीआई पर जवाब दे दीजिए। मैंने कहा कि ये आरटीआई जो है जिसमें लिखा है, साहब बताती है कि एनडीएमसी स्कूल में आपने कोई भी दौरा नहीं किया। मैंने कहा आरटीआई ये बताती है कि आपने अपने एनडीएमसी अपनी विधानसभा में पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और स्टाफ के साथ कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी मीटिंग नहीं करी। मैंने कहा कि आरटीआई बताती है, अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए कि आपके एमएलए फंड से, आपकी विधायक निधि से, आपके द्वारा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक भी रुपया नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा, अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए, हमारे 298 शिक्षकों के पद डीएसएसबी में हैं और वो खाली पड़े हैं, आपने डिले कर रखा, आप कब भरेंगे? हमारे एजुकेशन का बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे स्कूलों में टीचर कम आपके कारण होने के कारण हम बच्चों का नुकसान हो रहा, आप बताइएगा। अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोल रहे, मेरे साथ बैठे उनके एक विधायक, जो कोई मतलब नहीं था, मैं चेयर से पूछ रहा हूँ, चेयर बताए जवाब दे, चेयर नहीं बोल पा रही। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मीटिंग शुरू हुई, वो इसमें क्लिपिंग नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा किया, उनको
कि भाई अच्छा बोलेंगे तो बोलने मत देना। तो देश में आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी संस्था को बींग दी MLA एंड बींग दी CM ही विल चेयर द मीटिंग। तो चेयरमैन जो चेयर कर रहा है उस मीटिंग को, काउंसिल की मीटिंग को, वही बेईमान हो गए विधायक पर। फिर भी जनता की, और मैंने ये भी कहा जब उनसे बात हो रही थी कि मेरे सवाल नहीं है, ये उस NDMC की जनता और दिल्ली की जनता के सवाल है जिन्होंने आपको वोट देकर विधायक और मुख्यमंत्री बनाया। उनको अधिकार है कि उनके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आप बताइए। पर परेशान थे, चेहरा अगर आप देखेंगे दोबारा देखेंगे बिल्कुल लाल था। ऐसे ऐसे करते हुए बिल्कुल BP हाई भी हो गया होगा शायद, क्योंकि जवाब जो अध्यक्ष जी ने ही बताया और नेता प्रतिपक्ष साहब ने बताया कि भाग जाते हैं। जब मैंने उनसे वापस कहा कि भाई जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, और मैंने कहा कि ये RTI महज कागज का टुकड़ा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, ये आपकी कारगुजारी का चिट्ठा है, ये वो सच दस्तावेज है जो बताता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो शोर मचा के कहते हैं कि मनीष सिसोदिया विश्व के नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मॉडल बेस्ट है, वो आपकी अपनी विधानसभा में धराशायी है, वो मॉडल फेल है। आप दिल्ली से गुजरात तक और अनेक देशों में अपने एजुकेशन मॉडल बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बेचते हैं, बड़े बड़े ऐड करके बेचते हैं। तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी बताइए, क्या प्रचार से और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद क्या बच्चों का विकास हो सकेगा क्या? जवाब नहीं था। मैंने कहा इन बातों का जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। तो पहली बार मैं मीडिया के सामने इसको कहता हूं, अगर मेरी बात गलत निकले मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कि ऐसा होगा देश में कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का शराब घोटाले के भी आरोप है और शिक्षा मॉडल को जो बेचते हैं उस पर जवाब नहीं दे पा रहे थे, कि पहली बार किसी भी मुख्यमंत्री और कोई बैठक को चेयर करने वाला व्यक्ति RTI के जवाब को ना देने के उस पर भाग खड़ा हुआ, मीटिंग छोड़कर भाग गया। वो उस काउंसिल का भी अपमान था, वो उस RTI के व्यवस्था के सिस्टम का भी अपमान था, और वो उन जवाबों, उन बच्चों के साथ, स्कूल से बच्चों से जुड़ा मुद्दा था। और बच्चों का भविष्य हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है कि प्रत्येक माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजना और नेतृत्व में कि हमने पूर्ण विकास करना है, संपूर्ण विकास करना है, तो आप किस मुद्दे पे भागे हो? जनता जवाब मांगेगी कि आप बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर भाग गए, उनके एजुकेशन के डेवलपमेंट में भाग गए। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं था, हिसाब नहीं था, और ऐसी घटना पहली बार नहीं करी अरविंद केजरीवाल जी ने। इससे पहले भी जब पानी के मुद्दे पर हमने उनको कहा कि NDMC में आपकी पानी की सप्लाई कम हो रही है, यहाँ एम्स है, यहाँ सफदरजंग है, यहाँ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उनमें आज मरीजों के पास जो पानी जाता है उसकी भी RTI थी, तो उस पर पता, उस पर भाग गए। फिर जब हमने उनसे कहा कि आप सुविधा कैंप, माने प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है गुड गवर्नेंस की, उस सुविधा कैंप की घर तक पहुंचे, जो 7 साल में अपनी विधानसभा में नहीं कर पाए, उस सुविधा कैंप की RTI बता रही थी कि टोटल 20, अब तो 24-25 हो गए। आपको जान के हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी एक सुविधा कैंप में जहां 27 डिपार्टमेंट NDMC के बैठते हैं उसमें नहीं आए। उसके इस शिक्षा के साथ साथ उनकी एक और RTI का जो उसमें उनके पास जब हमने उनसे पूछा, दूसरी जो RTI थी वो RTI थी कि एम्प्लॉयज को लेकर, गुजरात में जाके वो भाषण देते हैं, एम्प्लॉयज को लेकर, उनकी डेवलप, उनके बेनिफिट को लेकर, उनके डिटेल, अनेक विषयों पे आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी जो देश के सबसे भ्रष्ट, नकारा, निकम्मे और जिनकी पार्टी में दलाल हैं, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हवाला कारोबारी हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, वो कोई जवाब नहीं दिया और कल डिबेट से भाग गए। पर मैं आप सबके माध्यम से, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के शिक्षा से जुड़े जवाब जब तक हम NDMC काउंसिल के आपसे नहीं ले लेंगे, हिसाब नहीं ले लेंगे, ना जनता शांत बैठेगी, ना आपको शांत बैठने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना पड़ेगा। और सुबह मुझे अभी हरीश जी बता रहे थे, शायद सौरभ भारद्वाज ने या किसी ने कोई कहा कि मेरी भाषा का था, आपने वीडियो देखी माननीय मुख्यमंत्री जी सर जी, तो भैया जवाब नहीं है तो एब्यूजिंग एक्यूजिंग शुरू कर दोगे, भाग जाओगे,
डिबेट को शुरू छोड़ दोगे तो अरविंद केजरीवाल जी जो हाथ को कई बार ऐसे करते करते ऐसे करते करते आप जो मीडिया को बाइट देते थे सिंगल बैठ के करते थे, जब आपसे पूछा गया तो आप भाग खड़े हुए, भागे मत। एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग अगली बार फिर चौथे बुधवार को होगी, सभी फैक्ट्स के साथ आएंगे। हम गलत होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, आप गलत होंगे तो इस्तीफा दे देना, पर जनता का जवाब देना पड़ेगा और एनडीएमसी का सारा हिसाब देना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एनडीएमसी काउंसिल का एक्ट 4 और 2 वो कहता है कि जब तीन मीटिंग में कोई मेंबर नहीं आ सकता, हम उसको प्रपोज करके भेजें। हमारे लॉ डिपार्टमेंट की आ गई है, बाकी लॉ की रिपोर्ट हमने लेने के लिए और कंसल्टेशन के लिए उसको रखा हुआ है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हम बिल्कुल फेयर चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक जो अरविंद केजरीवाल जी भी सहयोग करे, पर शायद वो प्रचार में, घूमने में और पॉलिटिकल टूरिज्म में बिजी है। ठीक है, वो जवाब तो बताएंगे प्रवक्ता, तो उनको खुद ही बता देंगे वो। पर बा थैंक यू।